अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी ज्वेरिया सर और आज आपके लिए लाई हूँ चिकन की रेसिपी। काफ़ी दिन हो गए थे चिकन नहीं बनाया था, तो आज चिकन की रेसिपी लाई हूँ। जो लोग कीमा चिकन का कीमा पसंद नहीं करते, क्योंकि चिकन होता है बहुत सॉफ्ट मीट, अगर इसका कीमा बनाया जाए तो ये बिल्कुल ही अजीब सा सालन सा बन जाता है, लेवी सा, जिसकी वजह से ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आज थोड़ा सा कीमे से थोड़ा सा ज़्यादा मोटाई में कटवाया है, कटिंग करवाई है इसकी चिकन बोटी की तरह। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को, घर वालों को, सबको पसंद आएगा, मेहमानों को भी, ठीक है। तो ये अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने 1 कप। ऑयल जैसे गर्म होगा इसके अंदर फिर हम और चीज़ें मिक्स करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि एंड तक देखने का ही हमें फ़ायदा होता है और आपको भी हर चीज़ समझ आ जाती है। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालूंगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 लार्ज या मीडियम साइज़ के प्याज ले लें। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं इसमें मिक्स करती हूँ ये आप अपनी पसंद के मुताबिक मिक्स करें, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से डालती हूँ, बस मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ कि इस तरीके से बनाएं और आसान तरीके से बनाएं अपने घर में। तो प्याज जैसे ब्राउन होंगे लाइट गोल्डन से, तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, कुछ लोग गार्लिक डालते हैं और जिंजर नहीं डालते, तो जिंजर लाजमी डाला करें, ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है और इससे जो हमारी जो सालन होता है, हांडी होती है, इसका जो बादी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं जिंजर के, तो जिंजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें और लाजमी इस्तेमाल किया करें। गार्लिक भी ज़रूरी है लेकिन जिंजर भी ज़रूरी है इसके साथ। जैसे ही वो ये तीनों चीज़ें गोल्डन होंगी, अच्छे से खुशबू इनकी आने लगेगी, इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर। 2 टमाटर थे वो मैंने काट के डाल दिए थे इसमें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 3 डाल दें 4 डाल दें तो इसमें कोई मसला नहीं होता। टमाटरों में टमाटर टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा लगते हैं। तो अगर आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना तो आप टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, अगर दही का इस्तेमाल करना है तो टमाटर थोड़े कम इस्तेमाल करें। तो मैंने आगे दही का इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने टमाटर 2 ही डाले हैं इसमें, तो इससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी चिकन। चिकन मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से मैंने छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां करवा ली थी। ये 1 kg चिकन है, बोनलेस चिकन है, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली थी और ये बहुत ही टेस्टी सा सालन बना था हमारा। तो आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपको उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। तो बस ये अब डाल दूंगी चिकन भी इसमें और इसको हम करेंगे अभी भून लेंगे। जो टमाटर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था इसके साथ इसको भून लेंगे। इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें स्पाइसेस, जो मैंने मसाले मिक्स करने हैं, घर के मसाले, बाहर के मसाले मिक्स नहीं करने। बेशक कोशिश करें घर की चीज़ें इस्तेमाल किया करें, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल ना किया करें, इससे बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है हमें। तो मैंने रेड चिली क्रश और पाउडर दोनों मिक्स ले लिए हैं, 2 चम्मच।
इसके बाद इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ली है 1 चम्मच, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था चम्मच। तो कसूरी मेथी के बाद हम डालेंगे इसमें नमक 1 चम्मच, इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाला था। बस ये स्पाइसेस थे, ये मिक्स कर लेंगे हम इनको चिकन के साथ, भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा लजीज सा हमारा ये चिकन बनने वाला है। बस इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। इसके ये देखिए बुनाई करके इसको मैंने खड़ा कर दिया था, इसका चिकन का अपना ही पानी निकल आया था इसमें और ऑयल भी। और अब थोड़ी सी और बुनाई करेंगे और इसके ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करेंगे, आधा गिलास यानी कि 1 कप पानी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे दही। दही में मैंने चिकन टिक्का मसाला मिक्स किया था, ये 1/2 चम्मच चिकन टिक्का मसाला और 4 चम्मच थी दही। तो इसमें मिक्स करेंगे और इससे जो है ना इसका टेस्ट अच्छा आएगा और इसकी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी बन जाएगी। आप चाहें तो आप ना मिक्स करें, दही टमाटर ज़्यादा डाल दें, मुझे अच्छा लगता था ये मैंने डाल लिया।
बस इसकी बुनाई कर ली, ग्रेवी बना ली जितनी हमें चाहिए थी। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और धनिया, बस ये चीज़ें डाल के इसका करेंगे एंड। तो बस मैंने अब चूल्हा कर देना ऑफ, और इसके थोड़ा सा मैंने हाँ इसमें नींबू डाल दिया था टेस्ट के लिए, तो जो इसका नींबू डाल के इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जी हमारी चिकन हांडी की बोटी बनके तैयार हो चुकी है, बस इतनी सी देर लगेगी और आपकी जो हांडी है वो बनके तैयार हो चुकी है, चिकन हांडी। ठीक, यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और वीडियो एंड तक लाजमी देखें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।